कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी ने छत्तीसगढ़ से 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया है, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है। इस विश्वास के लिए पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का आभार। संस्कारधानी राजनांदगांव से प्रत्याशी होना सौभाग्य है। माँ बलमेश्वरी की कृपा और जनता के आशीर्वाद से इस बार का चुनाव राजनांदगांव की जनता लड़ेगी और जीतेगी। सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं।